पे नहीं चलते हैं, वो चलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के ऊपर। अब वो ट्रक वाले ने अगर उसको रेप करके ट्रक से उसकी कुचल डाला उसको, तो वो जब तक वो प्रूव नहीं होगा, जब तक वो रेपिस्ट पकड़े नहीं जाएंगे। अब अगर उस लड़की को इस तरह से कुचला है कि फॉरेंसिक में भी पता नहीं चलेगा, मेडिकल साइंस भी कभी कभी प्रूव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि शी वॉज गैंग रेप रिपीटेडली, तो वो केस में हो सकता है वो घिनौनी हरकत करने वाले बच भी जाए। लेकिन मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि यू कैन डॉज लॉ ऑफ लैंड, यू कैन नॉट डॉज लॉ ऑफ नेचर। आई रिपीट, यू कैन डॉज लॉ ऑफ लैंड बट यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द लॉ ऑफ नेचर। यानी कि आप जो हमारा धरती पे जो कानून है, लॉ ऑफ लैंड है, कोर्ट है, पुलिस है, उनसे हो सकता है पैसा खिला के या उसको माल प्रैक्टिसेस करके, एविडेंसेस को डैमेज करके आप बच सकते हो टेम्परिंग करके, लेकिन नेचर के कानून से कैसे बचोगे? उसको तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा किसी न किसी से, तो मजबूरी है। कभी कभी लॉ की भी खुद की मजबूरी होती है, पुलिस वालों की खुद की मजबूरी होती है, कुछ करप्ट माइंड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस में है, जुडिशरी में भी कहीं कहीं करप्शन है, पॉलिटिक्स में करप्शन है, प्रेशर है पुलिस वालों के ऊपर, पॉलिटिकल प्रेशर आता है, पब्लिक जब अपना प्रेशर डालती तो पुलिस वाले जाग जाते हैं। अब सब पुलिस वाले तो करप्ट नहीं होते हैं, अगर सब जुडिशरी वाले करप्ट होते तो इंडिया कब की ख़त्म हो चुकी होती। सर, इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनका माइंड इतना ज़्यादा करप्ट हो चुका है, इतना ज़्यादा घटिया हो चुका है, दो महीने बच्ची का रेप किया, पता चलने पर उसको 3-4 महीने का सज़ा मिला, फिर उसको फांसी दिया गया। बच्ची क्या गलती थी इसमें? देखिए, फांसी की सज़ा मिली तो ये तो बहुत अच्छी बात है, बराबर है, पॉइंट नंबर वन। वो बच्ची की तो लाइफ तो ख़त्म हो गई, आई एग्री, बच्ची मर गई उसी वक्त, उसमें बेचारे मर गई, दो महीने की बच्ची तो उनके माँ बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी, बराबर है। उनके जो क्लोज रिलेटिव है वो माँ बाप के ऊपर तो एक मेंटल हमेशा के लिए रहेगा ही रहेगा, बट कानून में एक ही है कि फांसी की सज़ा के ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, तो वी कैन नॉट डिबेट ऑन दिस फर्दर कि इसके ऊपर भी कोई सज़ा हो सकती है। अब इसके ऊपर कोई और सज़ा होनी है तो इसके लिए बहुत लंबा चौड़ा लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट से बिल पास करवाना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हो कि हाथ काट डालेंगे, गर्दन काटनी चाहिए रास्ते पे चौराहे पे लाके, वो उसमें ना बहुत सारे लोग हैं ना आज भी इंडिया में फांसी के भी खिलाफ है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन आप गूगल सर्च करके देखो, कि एक क्वेश्चन डालो गूगल में आप, तो उसमें भी आपको पता चला कि फांसी की सज़ा के लिए भी बहुत सारे लोग खिलाफ है उसके। आप तो फांसी की सज़ा के ऊपर की बात कर रहे हो ना कि गला काट डालो या बीच चौराहे पे उनको जला डालो, ये तो मतलब एक्सट्रीम में हो जाएगा। फांसी की सज़ा के भी लोग खिलाफ है इंडिया में, गूगल सर्च करके देखिए, अनफॉर्चुनेटली। तो ये तो क्या है कि कानून को चेंज करने में, अब निर्भया के बाद इतना सारा बड़ा हादसा हुआ, एंड द क्रेडिट गोज़ टू मीडिया एंड सोशल मीडिया बोथ। अगर ये मीडिया नहीं होता तो निर्भया केस भी ऐसे ही फाइलों में चला जाता, जैसे हजारों केसेस फाइलों में चले जाते। क्या निर्भया के बाद केसेस कम हुए? नहीं हुए, नहीं हुए, बढ़ गए सर, लेकिन फाइलों में दब जाते हैं। निर्भया केस का जो आपने कहा, पर वहाँ पे भी जो निर्भया केस को हैंडल कर रहे थे लॉयर, मनीष ऐसा कुछ तो नाम था उनका, तो उनको भी मतलब उनको भी मार दिया गया। उसके बाद उनकी वाइफ ने वो केस हाथ में लिया, निर्भया केस का, और उन्होंने मतलब ऐसे कसम खाई कि वो ये केस सॉल्व करेंगे, और विदाउट फीस उन्होंने वो केस लड़ा और जीता भी है। तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि फॉर एग्जांपल कोई अगर इंडिया में अच्छा काम करने जाएंगे भी, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई वकील अच्छा काम करने जा रहा है, या कोई इंडियन सिटीजन, या कोई ग्रुप ऑफ सिटीजन, कोई एनजीओ, कोई सोशल वर्कर अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर कभी कभी इतना प्रेशर आता है फ्रॉम ऑल द वेरियस एंगल्स, क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों की होती है, बहुत बड़े बड़े लोग मर सकते हैं उसमें, फंस सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो यार इसी आदमी को ही उड़ा दो, बात ही ख़त्म। तो ये इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में राजाओं महाराजाओं के ज़माने से चलते आ रहा है। ये पूरे सिस्टम को चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन दबके रहना भी तो गलत है ना। अगर आपके ऊपर आवाज़, अगर आपके ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, अगर कोई इनजस्टिस हो रहा है, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो वो जो जुल्म है जो करने वाला है
वो दूसरों के ऊपर भी करेगा। जब उसके ऊपर एक्शन होगा तो हो सकता है 80-90% उसको लगे कानून है, मेरे ऊपर भी कानून है। अभी कितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स के जेल में पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा, एम आई राइट? कभी सोचा भी नहीं था कि इन मिनिस्टर्स को भी जेल में डाला। ये मैं ऑन कैमरा एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये गलत है कि इंडिया में बड़े लोगों को सज़ा नहीं मिलती है। आप रिसेंटली पीछे 5-10 साल पीछे जाके देखिए तो बड़े बड़े मिनिस्टर्स जेल में बैठे हुए हैं, 5-10 साल की सज़ा काटी है उन्होंने, अभी बाहर आए, अभी भी कुछ जेल में हैं, बट प्रूव करने में टाइम लगता है। अब नया ज़माना आ रहा है, अब यंगस्टर्स का ज़माना आ रहा है, सोशल मीडिया का ज़माना आ रहा है, हो सकता है और तरक्की हो जाए। आप लोग इनजस्टिस बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अच्छी बात है, आप लोगों में यूनिटी है, बट वायलेंस को ना पकड़ के पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए, डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, लॉ ऑफ लैंड को फॉलो कीजिए, अपनी सजेशंस जो है ना बी वोकल। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, अगर आपके दिल में अंदर से बॉइलिंग हो रहा है, जैसे अभी आप थोड़ा इमोशनल हो गई थी, ओ शुभम थोड़ा एक्साइटेड एंड हाइपर हो गया था, तो ये जो है ना अपने गुस्से को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए आप अच्छे कामों में। अच्छा काम क्या हो सकता है, अच्छा काम क्या हो सकता है? हमने एनजीओ खोला हुआ है, क्यों खोला है? क्योंकि मेरी जो एनर्जी है, आप लोगों की एनर्जी, आप एनजीओ के पार्ट हो, आप न्यूज़ टीवी के पार्ट बन चुके हो, जर्नलिस्ट इन मेकिंग हो आप, तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो। एंड चैनलाइजिंग एनर्जी मतलब क्या होता है? फॉलो द लॉ ऑफ लैंड और उसको प्रॉपर वे में हाईएस्ट अथॉरिटी तक अपनी सजेशन को पहुंचाओ। ये मत सोचो कि यार मेरी सजेशन को लोग मजाक में उड़ाएंगे, डस्टबिन में फेंक देंगे, हो सकता है आपकी सजेशन काम में आ जाए, है ना? क्यों नहीं आ सकती है? एक सिंगल आदमी की सजेशन अगर वहाँ पे जाएगी तो हो सकता है हाईएस्ट अथॉरिटी तक को लगेगा यार ये ठीक बोल रहा है बंदा, उसके आप फॉलो अप करो। थक मत जाओ, लोग हैं थक के छोड़ देते हैं कि छोड़ यार मेरा क्या काम। अनफॉर्चुनेट जब तक मेरे ऊपर नहीं आ गई ना तो मैं एहसास नहीं होता है मुझे उस बात का, एम आई राइट? तो लेट अस फॉलो लॉ ऑफ लैंड एंड डोंट, कि अपने उस विश्वास को है ना कायम रखो, उसको छोड़ो मत। और सर रेप केसेस स्टैटिस्टिक्स देखा जाए इंडिया में तो 2020 में 550 अराउंड था, और मतलब 2021 में देखा जाए तो 550 से लेके 833 केसेस हुए हैं, मतलब 63.3% से बढ़ता गया रेप केसेस। हाँ तो ठीक है, मतलब ये सब है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया है, मतलब किया नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत से ऐसे लॉज बनाए हैं, बट लड़कियों की सेफ्टी का क्या, मतलब उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए लड़कियों की सेफ्टी जो है मेरे ख्याल से अभी हमारे व्हेन सी वी ऑल आर मुंबईकर्स, वेदर इट इज़ नवी मुंबई और मुंबई, वी कैन काउंट एज अ मुंबईकर और नवी मुंबईकर, बट लकीली मुंबई एंड नवी मुंबई विथ रिगार्ड टू ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड आवर सेल्फ वेरी सेफ। सर राइट, जो सेफ्टी बात कर रहे हैं उससे बोलना चाहूँगा, 2020 में फरवरी में अभी ये सागर बिहार में एक रेप केस हुआ, किसी लड़की का नहीं हुआ, एक 22-25 साल का लड़के का हुआ, कुछ शराबी आके रेप करके गए उसका, वो बियर बॉटल उसके बैग में डाल दिया था, इतनी बुरी तरह से उसकी हालत कर दी थी, बंदा हॉस्पिटल पहुँचते मर गया। तो इसमें लड़कियाँ अलग ही नहीं, लड़की भी डेंजर में है फिर। अच्छा मैं ये शायद कुछ साल, 1-2 साल पहले की बात है, 2020 की, हाँ 2020 की बात है, वो कहीं पे शायद मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, आई एम नॉट श्योर, जब मैं श्योर नहीं होता तो मैं कैमरा लेंस में बोल दूँ कि आई एम नॉट श्योर, कि शायद वो रेप केस प्रूव नहीं हुआ था, दैट वॉज नॉट अ रेप केस, बट आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू डू सम रिसर्च ऑन दिस, सो आई कैन नॉट कमेंट फर्दर ऑन दैट। बट ये बात आपकी बराबर है, रेप सिर्फ लड़कियों का नहीं लड़कों का भी होता है। आजकल होमोसेक्सुअलिटी जो पहले बिहाइंड डोर्स थी अब लेजिटिमेट माना जाता है, तो बट नेचुरल वो एक्सप्लॉयटेशन लड़कों की भी हो रही है, अभी खुलेआम हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, फॉलो लॉ ऑफ लैंड, पुलिस है, पुलिस के ऊपर जाओ, FIR लॉन्च करवाओ, नहीं करते हैं तो उनके सीनियर से बात करो, वो नहीं करते तो जजेस से बात करो, सबके ऊपर एक लेवल 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 बनी हुई है,
वो तब पता चलेगा आपको जब आप लॉ को अच्छी तरह से समझोगे। उसके लिए आपको वकील का होना ज़रूरी नहीं है। आई एम नॉट एन एडवोकेट, आई एम नॉट अ लीगल पर्सन, लेकिन मैं कभी भी कहीं पे भी कंप्लेंट करनी होती है तो मैं डायरेक्टली चेयरमैन, प्रेसिडेंट या हाईएस्ट लेवल तक अपनी कंप्लेंट पहुंचाता हूं। okay. अगर सीरियस मेरे साथ कुछ हुआ है तो जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूं या हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन है मेरी, बट गूगल सर्च करने से आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और गाली गलौज करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अपनी भड़ास निकालनी है तो ऑन पेपर निकालो, है ना जी। सुनवाई होगी, मैं ये ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सुनवाई होगी। वो ज़माना बदल गया कि जब सुनवाई नहीं होती थी, आज सुनवाई होती है। आज पुलिस वाले, पॉलिटिशियन, सबको पता है कि अगर सुनवाई नहीं करेंगे दैट टू विद इन टाइम फ्रेम तो उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज उनके ऊपर भी हो सकती है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस एक्सपेल हो गए हैं, एक्सपेल मतलब निकाले गए हैं पार्टी से। देखिए, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि एक मिनिस्टर को, एक एमएलए को बचाने के लिए पूरी पार्टी बर्बाद हो जाए। पार्टी को फॉर्म करने में, डेवलप करने में, एस्टेब्लिश करने में सालों साल लग जाते हैं। वोट बैंक बनाने में, लोगों का ट्रस्ट पैदा करने में एक पार्टी को सालों साल लग जाते हैं। एक मिनिस्टर को बचाने के लिए कोई भी पार्टी अपने पूरी पार्टी की सेक्रीफाइस कभी नहीं करेगी। वो चाहेगी ठीक है, इससे अच्छा है मिनिस्टर ने गलती की है, पाप किया है, एज पर लॉ कुछ किया उसने, गलत काम किया, तो वो दे कैन सेक्रीफाइस दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर। बट द ओनली थिंग इज कि यू हैव टू अप्रोच इन अ वेरी प्रॉपर राइट वे फॉलोइंग लॉ ऑफ लैंड। सुनवाई होगी। आप जो यंगस्टर्स हैं ना, दिल और दिमाग से निकाल दो कि लॉ ऑफ लैंड फॉलो नहीं होता है। होता है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। मैं पुलिस के फेवर में या पॉलिटिशियन के फेवर में डर के मारे बात नहीं करता हूँ। मैं डरता ही नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मैं कभी गलत काम करता ही नहीं हूँ। डरेगा वो जो गलत काम करेगा। मैं हमेशा पुलिस को सपोर्ट करता हूँ, जुडिशरी सिस्टम की रेस्पेक्ट करता हूँ। जब वो गलत काम करेंगे तो आई हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन देम एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लस आई एम अ न्यूज़ मीडिया पर्सन, बट दैट डजंट मीन कि मैं उनके ऊपर चढ़ जाऊँ। बराबर है, वो मेरे से ऊपर है, तो आई हैव टू रेस्पेक्ट देम, आई हैव टू रेस्पेक्ट देयर चेयर। बट देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू पुट अप योर ग्रीवांसेस, टू पुट अप योर कंप्लेंट्स। उसके लिए सब फॉर्मेट्स बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेट, लोगों को फॉर्मेट्स का ही पता नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग है कि इंडिया में इतनी इलिटरेसी आज भी है, या लिटरेट लोगों को भी नहीं